हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका बहुत देर से इंतजार था। कोविड की वजह से पाकिस्तान जाना डिले होता रहा, मगर आज वो दिन आ चुका है। आज मैं जाने वाला हूँ मिलान। हम मिलान में स्टे करेंगे और कल सुबह मेरी फ्लाइट है मालपेंसा एयरपोर्ट से। तो आप भी मेरे साथ रहना, मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करके आपकी यादें ताज़ा करवाता रहूँगा। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं, खासकर हमारे इंडियन भाई जो पंजाबी है वो भी पंजाबी कल्चर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो आपको इस ब्लॉग में मैं वो कल्चर दिखाने की कोशिश करूँगा। और जिन लोगों को एयरपोर्ट जैसे कि आपको पता है कि मैं इंफॉर्मेशन भी आपको देता रहता हूँ इटली के बारे में, तो आपको मैं ब्लॉगिंग के थ्रू आपको ये भी गाइड करता रहूँगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट जा रहे हैं वो कैसे डिपार्चर कर सकते हैं, कैसे बोर्डिंग करवा सकते हैं बगैर किसी डर के, बगैर किसी होप के। तो आप मेरे ब्लॉग को देखते रहना, मेरी वीडियोस को प्यार देते रहना जिस तरह अभी दे रहे हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना बेल आइकन को क्लिक करके। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पे वेरोना स्टेशन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरी ट्रेन थी 12:12 पर, मगर वो लेट हो चुकी है क्योंकि त्रेंटो से जब आप मिलान जाते हो तो आपको वेरोना पे ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, और मेरी ट्रेन जो है 60 मिनट लेट हो गया। तो अभी मैं नीचे आया हूँ और यहाँ से कोई खाने पीने की चीज लेता हूँ छोटी मोटी, और सही जाकर जो खाना खाएंगे वो मिलान में पहुँच के खाएंगे। तो जी अभी मैं मिलान पहुंच चुका हूं। यहां पे मिलान के सेंटर जो स्टेशन है मेन, वहां पे मैं आ चुका हूं और मैंने इस ट्रेन की टिकट ली थी और आना मुझे इस पे पड़ा है। और ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने जिस ट्रेन की टिकट ली थी वो 200 मिनट लेट, मतलब 3.5 घंटे लेट हो गई थी, और फिर वहाँ इंतज़ार करने का कोई दुख नहीं था बनता, तो इसलिए मैंने ये फिर लोकल ट्रेन पकड़ी। और अभी आप मेरी हालत देख रहे हो, पूरा पसीने से भीगा हो, ये शर्ट वगैरह सर आप देख रहे हो, ऐसे ही लगता है जैसे अभी से ही पाकिस्तान शुरू हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो अभी मैं जाने वाला हूँ, अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है बस पकड़ने की। यहाँ से ट्रेन के बाहर निकल के मैं टैक्सी पकड़ने वाला हूँ, टैक्सी पकड़ के सीधा होटल पे जाऊँगा और वहाँ पे चेक इन करके फिर शाम को कुछ घूमने फिरने निकलेंगे बाहर। तो आप ये ब्लॉग देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब आप यहाँ पे आते हो मिलान स्टेशन पे, तो ये आप मेरे पीछे देख रहे होगे, ये मशीन्स लगी हुई हैं, यहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हो बाय योर सेल्फ। और यहाँ पे आपने पैसे डालने हैं और आप जहाँ भी जाना चाहते हो आपने वो लोकेशन डालनी है, और यहाँ से आप ट्रेन की टिकट बाय कर सकते हो। मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने सोचा ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप इटली में आ रहे हो विजिट वीजे पर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे यहाँ से टिकट बाय कर सकते हो खुद बगैर किसी काउंटर पे जाए हुए। और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे फ्रेंच, इटालियन और जर्मन लैंग्वेज भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो इंग्लिश आनी तो आपको ट्रैवल के लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सारी तो आनी चाहिए। अब यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलते हो तो ये आप देख रहे हो मेरे पीछे ये सारी टैक्सीज वगैरह खड़ी हैं। तो यहाँ से आप अपनी टैक्सी ले सकते हो और अपनी डेस्टिनेशन पे, किसी भी डेस्टिनेशन पे आपने जाना है तो आप जा सकते हो। और यहाँ पे टैक्सी का ये है कि टैक्सी आपको पक्के पैसों पे नहीं मिलेंगी, मतलब आपको एक पैकेज नहीं मिलेगा कि आप 100 यूरो पे करो या 20 यूरो पे करो और हम आपको उधर ले जाएंगे। वो मीटर के साथ टैक्सी चलती है, जितने किलोमीटर वो चलेगी उतने किलोमीटर के हिसाब से वो पैसे खुद बहुत कंप्यूटराइज बनते रहेंगे और फिर आपको उतने पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अभी मैं टैक्सी में आ चुका हूँ और टैक्सी मैंने बुक कर लिया, ये हमें हमारी डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे। और यहाँ पे तो एसी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है, गाड़ी में फाइनली हमें ठंड मिल गई है, वरना गर्मी से तो बुरा हाल हुआ हुआ था। और आप देख रहे हो यहाँ पे मिलान में इतना ज़्यादा रश है, हर जगह टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये भी होटल पे चेक इन कर लिया है और बहुत गर्मी है यहाँ पे, मैंने गलती की है, यहाँ पे तो लिफ्ट भी नहीं है। और मुझे ये 75 यूरो का ये रूम पड़ा है एक नाइट के लिए, मगर अगर अगस्त ना होता, ये जुलाई और अगस्त के माह ना होते तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है।
मगर अब इन दिनों में इतना ज्यादा भी नहीं है कॉस्टली। और ये है हमारा रूम। तो जी ये है हमारा रूम, हम फाइनली अपने रूम में आ चुके हैं। कोई इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, मगर 75 यूरो वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर अभी आप देख रहे हो जुलाई और अगस्त का मंथ है, तो जुलाई और अगस्त में ऐसे ही होता है, जो जितने भी रूम्स वगैरह होते हैं टूरिस्ट की वजह से कॉस्टली हो जाते हैं। तो ये भी मैंने 2-3 माह पहले बुक करवाया था, तो इसलिए मुझे 75 यूरो का मिला। तो अच्छा खासा स्पेशियस है, 2 बेड लगे हुए हैं, मगर मैं अकेला हूँ तो 2 बेड की जरूरत नहीं है। मैंने ये रूम इसलिए बुक करवाया था क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता था, वरना वो शेयरिंग में रूम दे देते हैं। यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना बैग वगैरह रखा हुआ है, ये छोटा सा टीवी है, ये हमारे बैग्स वगैरह आगे, वहां पे एसी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी इस टाइम तकरीबन 44 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत ज्यादा गर्मी। आप देख रहे हो कि अभी भी मुझे पसीना आ रहा है। तो अभी फिर चलते हैं, थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद चलते हैं बाहर, बाहर चल के फिर कुछ खाते पीते हैं और वो भी आपसे शेयर करते हैं। और फिर कल तो हम फाइनली 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 अगर कुछ गलत ना हुआ तो पाकिस्तान तो जा ही रहे हैं। तो फिर रोज व्लॉग आते रहेंगे, कभी गोलगप्पों के, कभी बारबेक्यू के, कभी किसी चीज के, कभी किसी चीज के। तो आप जिन चीजों को मिस करते हो वो सारी चीजें उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तो आना चाहिए ना, इतना तो आपका फर्ज बनता है। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाऊं और आप बेल आइकन को भी क्लिक ना करो, चैनल को सब्सक्राइब भी ना करो, तो जल्दी करो। तो थोड़ी देर बाद चलते हैं बाहर। भाई ये मेरे पीछे था मेरा होटल जहां पे मैं स्टे कर रहा हूँ। अभी मैं बाहर निकला हूँ और कहीं हम जाने वाले हैं, कोई सुपर मार्केट ढूंढते हैं क्योंकि प्यास बड़ी लगी हुई है और मुझे पीना है मॉन्स्टर। मेरी एनर्जी जो है ना वो मुझे दोबारा से अपने अंदर डालनी है, घोल के मॉन्स्टर के अंदर। तो अभी आप देख लो रोड पे है आपका भाई और हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पे हमें सुपरमार्केट मिलेगी और हम अपना मॉन्स्टर पिएंगे। फिर उसके बाद ढूंढते हैं, पहले तो ढूंढते हैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, अगर वो मिल गया तो वहां से खाना खाएंगे क्योंकि हमारे सिटी में कोई इतना अच्छा इंडियन या पाकिस्तानी खाना नहीं मिलता। तो अगर वो हमें नहीं मिला तो फिर हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर इटालियन कोई पिज्ज़ा वगैरह या कोई चीज़ खाते हैं, देखते हैं। अभी चलो थोड़ा सा घूमते भी हैं, मोबाइल की बैटरी भी कम है, मगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी तो देनी है, आपको थोड़ा सा व्लॉग भी तो बना के देना ना, समझा करो। भाई आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे अपन को मिल गई है एक चाइनीज शॉप और वहाँ से हमें मिला है मॉन्स्टर और थोड़ा सा महंगा मिला है, मगर मजा आ गया। सारी एनर्जी एक बार कवर हो गया। मुझे यहाँ पे एक बंदा मिल गया था बांग्लादेश से और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आप ये वाली बस पकड़ो और आपको वो रेस्टोरेंट मिल जाएगा जो पाकिस्तानी, जहाँ पे मैं जाना चाह रहा था। और वो अगर मैं वहाँ से जाता वॉक करते हुए तो तकरीबन 30 मिनट का रास्ता था, और अभी मैं बस से जा रहा हूँ तो 10 मिनट में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अभी 2-3 स्टॉप के बाद मैं वहाँ पे उतर जाऊँगा। और उन्होंने मुझे गर्मी में जलील और खज्जल खुआर होने से बचा लिया। तो जी ये हमारा आ चुका है कश्मीर रेस्टोरेंट, मैं आगे भी 2-3 बार खा चुका हूँ, खाना इनका अच्छा होता है। तो चलिए आज फिर चल के खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा है। तो भाई अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने अपनी फेवरेट चिकन बिरयानी ऑर्डर कर ली है और उसके साथ एक रायता और एक कोका कोला, अपने साथ लेके जाने के लिए एक कीमे वाला नान भी, वो है हम रात को खाएंगे और गुजारा करेंगे। यहाँ पे आ चुकी है हमारी बिरयानी, आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुकी है हमारी बिरयानी, ये हमारा रायता और कोका कोला। तो अभी हम ट्राई करते हैं राइस कैसे हैं। अच्छे राइस अभी मैं खा के तो फिर आपको मिलता हूँ। तो खाना खाने के बाद हमने ले लिया है हमारा नान, इसे हम रात के खाने में खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो खाना बहुत ही अच्छा था। मैंने वहाँ पे एक और भी चीज़ देखी, पहले मैंने जब मेन्यू में देखा है ना कि वो सीख कबाब और टिक्का बनाते हैं, तो मैंने सोचा जैसे सारे रेस्टोरेंट वाले वो फ्रीज़र वाला लेके, फ्रीज हुआ हुआ लेके फिर उसे बनाते हैं, तो ये भी वैसे ही बनाते होंगे। तो जब मैंने बिरयानी खा के जब मैं बिल पे करने गया तो मुझे पता चला कि ये जो है ना फ्रेश बनाते हैं तंदूर के अंदर, मैंने उसे खुद तंदूर के अंदर बनाते देखा है। तो मैं इस रेस्टोरेंट का लिंक और इसका एड्रेस मेरी इस वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आप जब मिलान में आओ तो आप यहाँ से सीख कबाब और टिक्का लाजमी ट्राई करना। बहुत ही अच्छे लोग हैं, कोई बदतमीजी वगैरह नहीं करते, वैसे
मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा भी है कि जहाँ पे लोग आपको ट्रीट ही नहीं अच्छा करते। तो आप अगर मिलान में हो तो आपने यहाँ से खाना ज़रूर खाना है। अब मेरे सामने वो स्टेशन है तो मैं स्टेशन पे जा रहा हूँ अपनी टिकट परचेज करने। कल का टाइम देखते हैं हमारा क्या टाइम है, किस टाइम हमारा क्या टाइम और कितने की टिकट है। टिकट परचेज आज करके फिर हम अपने होटल में वापस चलते हैं और फिर चल के रेस्ट करते हैं। तो मैंने अभी टिकट परचेज कर ली है, टिकट हमें मिली है 13 यूरो की मिलान स्टेशन से। अगर आप चाहो तो आप एक बस जहाँ पर से स्पेशल बस जाती है आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हो, उसकी भी 13 यूरो की टिकट है, मगर बस जो है वो ज़्यादा टाइम लगाती है क्योंकि रोड पे आज के इन दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। उस वजह से मैं आपको बस प्रेफर नहीं करूँगा। और बस से आप बस जहाँ पे आपको जाके उतारती है एयरपोर्ट के पास, वहाँ से आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है। और ये ट्रेन का ये सीन है, ये सिर्फ एयरपोर्ट के लिए ही चलती है। आपने किसी भी मशीन में जाके वहाँ पे आपने लिखना है मिलान मालपेंसा टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 से जहाँ से भी आपकी फ़्लाइट है आपने वो लिखना है और आपने टिकट अपनी परचेज़ करनी है। हर मैंने चेक किया है कि हर घंटे में 2 ट्रेन जाती हैं, एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9:25 पे, 9:25 पे, एक 9:55 पे, ऐसे एक 25 पे और एक 55 पे। हर घंटे में 2 ट्रेन जाती हैं और वो डायरेक्ट वहाँ पे मिलान मालपेंसा में जाती हैं एयरपोर्ट पे। और मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप ट्रेन के साथ जाओ। और कल जब मैं ट्रेन से जो है ट्रैवल करूँगा तब भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो। आप देखो ये कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ स्टेशन। इसे कहते हैं कि अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें सेव करके रखना। तो अभी चलते हैं होटल की तरफ। यहाँ पे आप घूमने फिरने को तो है कुछ नहीं क्योंकि मैं घूमने फिरने के लिए तो आया नहीं था। और यहाँ पे मैं अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको मैं प्रेफर यही करता हूँ कि अगर आपके पास अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ का रहने वाला है तो आप रात को तो बिल्कुल यहाँ पर बाहर ना जाओ क्योंकि ये सिटी रात को इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है एज अ टूरिस्ट अगर आप आ रहे हो तो। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है क्योंकि वो जानते हैं इन सब चीज़ों को। अभी मैं अपने रूम में आ चुका हूँ और मुझे पता है आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि आज के व्लॉग में सिर्फ सफर सफर और सफर था। तो नेक्स्ट व्लॉग में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा पसंद आया या आगे नेक्स्ट अच्छे अच्छे व्लॉग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो और वीडियो शेयर करना आपकी मर्जी है, मगर सब्सक्राइब करना 50-50 कर लेते हैं। कर दो सब्सक्राइब, कर दो सब्सक्राइब।